गाइस, सो आई होप आप सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड मजे में होंगे। सो गुड मॉर्निंग एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और सुबह की। सो गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरी गर्म पानी के साथ और प्याज खा रहे हैं ब्रेड एंड बटर और हमें जोधपुर आए हुए हो गए हैं 3 से 4 दिन। पानी पिला दो मम्मी। सो हमें जोधपुर आए हुए हो गए 3 से 4 दिन और उसके बाद बस सफाई एंड ऑल अनपैकिंग जो थी वो अनपैक किया सारा और बस आज थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट करते हैं और बस दिन की शुरुआत तो हो गई है गर्म पानी के साथ। अब थोड़ी देर में देखते हैं क्या क्या काम बचा है वो थोड़ा सा निपटाते हैं और आज हमें एक एग्जीबिशन में जाना है इवनिंग में, तो वहाँ भी आज हम जाएंगे, वहाँ का भी शूट करूँगी। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। तो गाइस, हिमानी अपना काम करते हुए जल्दी जल्दी फटाफट निपटा रही है और एक साइड बर्तन धुल रहे हैं और दूसरी साइड में हिमानी ने कपड़े भी रख दिए हैं वॉशिंग मशीन में। तो अच्छा है गाइस, जितनी जल्दी काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे और आगे आपको दिखाते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, सारा काम हो गया है, बस अब शावर लेते हैं और फिर लंच बनाने की तैयारी करेंगे। गाइस, लंच की तैयारी शुरू कर दी है और बस बन रहा है फटाफट से वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी तो फटाफट से वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ मैं। चॉपिंग शुरू कर दी है मैंने, सो गाइस तेल गरम हो चुका है मेरा और बस अब डालते हैं जीरा थोड़ा। यहाँ पर अनियन फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर गोभी आलू और गाजर को मैंने काट लिया और उसको वॉश कर लीजिए अच्छे से। ओनियन हो गए हैं हल्के से, सब्जी में मसाला भी डाल दे रही हूँ। तो अब हल्दी, ये देख सकते हैं आप, हिमानी ने अपनी कलाकारी दिखाई है। किचन इज माई लेबोरेटरी, आई एक्सपेरिमेंट विथ फूड एंड टेस्ट इट ऑन माई हस्बैंड, ग्रेट हिमानी। Another one is pyramid. Happy food, happy family, happy faces. Mother Dabba, 24/7/01. तो ये अच्छे से फ्राई हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई सारी सब्जियाँ। अब इसमें पनीर, मशरूम और सोयाबीन और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो सारी आप डाल सकते हैं, मेरे पास अभी यही है। चाय अब हम डालेंगे इसमें, राइस उधर डालते हैं, अगर पानी ये 1.5 ग्लास आप अपने मेजरमेंट से करना, जैसे आप जो राइस यूज़ करते हैं। बस अब इसमें पानी डाल, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ और बाद में ऊपर से और सो गाइस एकदम मस्त बने हैं और बस इसमें हरा धनिया डाल देंगे जो कि हर डिश की आन बान शान है। सो गाइस, बस अब लंच करते हैं और बस उसके बाद नैप लेंगे और शाम की तैयारी शुरू करेंगे। गाइस, एक पावर नैप ले, हमारा टाइम होता है थोड़ी देर बाहर स्पेंड करना और इवनिंग हो चुकी है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है अभी, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे 15-20 मिनट्स और तो उसके बाद हम एग्जीबिशन के लिए रेडी होके जाएंगे। तो बस आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ घूमने, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे और फिर हम उधर की मिल गए हम गाइस, उधर मिलेंगे गाइस आपसे और बहुत सारी मस्ती करेंगे और हम गाड़ी में मिल गए गाइस, बाय। सो गाइस, वी आर एट एग्जीबिशन, हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट हो रखा है और बहुत कलरफुल है, चलिए अंदर चलते हैं। Mm-hmm.
ये मैंने एक पसंद किया है अपने लिए, तो मैं इसको यहाँ से दाबेली बनवाई है जो कि गुजरात की बहुत फेमस डिश है। एक करते हैं, बहुत यम्मी है, स्टफिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, स्टफिंग इसमें बहुत अच्छा है, कॉर्न्स भी हैं एंड एक पकोड़ा है और अनारदाना प्याज चटनी बहुत अच्छी बनी है। तो गाइस अब इनको टेस्ट कराती हूँ, पूछते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा। एकदम झकास बोले तो मस्त, मजा आ गया। हम प्रियांश को भी टेस्ट कराने जा रहे हैं, देखते हैं प्रियांश को कैसा लगता है। थैंक यू। स्टॉल बहुत ज़्यादा पसंद आया, पहले मुझे हैंडमेड आया था, अब मुझे आपको पता है ये गर्ल्स का बहुत शौक होता है एसेसरीज एंड ऑल का, तो मुझे भी यहाँ पर थोड़ा पसंद आया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत छोटे छोटे आइटम्स एंड सिंपल थे, आपको मुझे पता ही है कि मैं सिंपलिसिटी में बिलीव करती, तो मुझे एक बहुत छोटा सा पसंद आया वो बताती हूँ आपको। तो ये मुझे पसंद आया है, एक्स पसंद आए हैं और इसका अमाउंट भी बहुत रीजनेबल अमाउंट है, 150 जो कि ये परचेज़ किया है इनकी शॉप से। और अगर आपको आपको पसंद आएगा यहाँ से कुछ भी स्टफ़ तो आप उनके इंस्टा आईडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पर चेक कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छी रही और अब बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, और हमने बहुत सारा मज़ा किया, एंजॉय किया, अच्छा लगा हमें, छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी, बहुत कलरफुल एग्जीबिशन था, हर चीज़ कलरफुल, जैसे कि मुझे कलर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कलरफुल कलरफुल, तो वाइब्रेंट कलर्स का यहाँ पूरा यूज़ किया था, थीम बहुत अच्छी थी। तो बस अब हम चलते हैं घर की ओर और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज हिमानी हिमांशु लाइफस्टाइल। सो थिंक पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय, सी यू सून गाइस।